हे गाइस, इट्स मी राघव शर्मा एंड यू आर वाचिंग मैकेनिकल इनसाइट। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एंट्री लेवल हैचबैक्स, एंट्री लेवल एसयूवीज, इन सब के पीछे अट्रैक्शन के लिए ही सही चाहे, पर पीछे वाटर डिस्पेंसर क्लीनिंग के लिए और विंडशील्ड वाइपर दिया होता है क्लीनिंग के लिए, पर किसी भी सेडान में, चाहे वो डी शेप सेडान हो या इवन लग्जरी सेडान्स तक हो, सेडान्स के अंदर रियर वाइपर रियर विंडशील्ड पर नहीं दिया होता। तो ऐसा क्यों है कि सेडान्स के अंदर रियर वाइपर नहीं दिया होता? इसका मेन रीजन सेडान्स की शेप के अंदर छुपा हुआ है। सेडान्स की जो शेप है वो एरोडायनामिकली ऐसे डिजाइन होती है कि रियर विंडशील्ड पे एयर फ्लो बनता है, जिस एयर फ्लो करके रियर विंडशील्ड पे डस्ट या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं टिकती हैं, वो ड्रैग होके नीचे आ जाती हैं, और यही काउंटर इफेक्ट करता है हैचबैक्स और एसयूवीज के केस में, जिसके अंदर लास्ट के अंदर जाके जब शेप खत्म होती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है एयर ड्रैग, और उसके करके वहां पे डस्ट या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स से क्यूमुलेट होते हैं, जो कि लोगों ने देखा भी होगा कि उनकी कार्स के पीछे मोस्टली डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है एसयूवीज या हैचबैक्स के अंदर। तो रीजन जो कि इसके अंदर रियर वाइपर नहीं आते, वो सेडान्स की शेप के अंदर ही। तो क्या आप लोगों ने कभी ये चीज नोटिस करी या आपको ये चीज पता थी? अगर पता थी तो प्लीज कमेंट डाउन बोलो कि आपको ये पता थी, और जिनको नहीं पता थी उनके साथ ये शेयर जरूर करना, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर ले मैकेनिकल इनसाइट को।